हेलो फ्रेंड्स, अब टेक चैनल में आपका बेहद स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एलस्टॉम कंपनी के बारे में। एलस्टॉम कंपनी की स्थापना 1928 में की गई। यह एक फ्रांस की कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर सेंट ओइन में है। यह थॉमस ह्यूटसन के द्वारा स्थापित की गई थी। यह अपने हैवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बढ़ाने के पर्पज से सन 1928 में जनरल इलेक्ट्रिक से मिल गई, यानी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जो थी उसमें मर्ज हो गई। बेलफोर्ड में पहले कारखाने के साथ थॉमसन हॉटसन ने इसका पहला कारखाना खोला। और साल 1932 में एलस्टॉम विद्युत निर्माण, विद्युत इंजन और हाइड्रोलिक उपकरण के निर्माता बने, और उनका निर्माण टैप्स के लोगों की मांग से उठा। फिर ऐसे चलते चलते 1969 में यह कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का एक बहुत बड़ा मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन गया। फिर 1976 में एलस्टॉम एटलांटिक के शिपयार्ड कंपनी के साथ मिल गई, जो एलस्टॉम एटलांटिक बन गया। इस प्रकार फिर इसका समुद्री व्यापार भी फैल गया। फिर अगले साल यानी 1977 में पैलुएल पावर स्टेशन के लिए पहला 1300 मेगावाट जनरेटर सेट बनाया, जो 1500 मेगावाट के उत्पादन के साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। फिर क्या, एलस्टॉम कंपनी उड़ान भरने लगी। 1978 में एलस्टॉम ने अपनी पहली टीजीवी ट्रेन यानी ट्रेन ग्रैंडे वेट से, टीजीवी जिसका मतलब फ्रांस में है हाई स्पीड ट्रेन, एक फ्रांस रेलवे कंपनी एसएनसीएफ को दे दिया। और टीजीवी ट्रेन की गति 1981 में 380 किलोमीटर पर हावर थी। लेकिन साल दर साल इसमें बदलाव होने के और इम्प्लीमेंट करने के बाद 1990 में 515 किलोमीटर पर हावर की गति से यह ट्रेन दौड़ने लगी। और सन 2001 में हाई स्पीड ट्रेन लाइंस के लिए वर्ल्ड एंड्योरेंस रिकॉर्ड बनाया। कैलाइस से मार्सेल तक, जो कि फ्रांस के दो शहर हैं जिनके बीच की दूरी 1062 किलोमीटर है, और इसकी यात्रा सिर्फ 3 घंटे 29 मिनट में तय करी इस ट्रेन ने। 1986 में एलस्टॉम बेलफोर्ड ने दुनिया में सबसे बड़ी गैस टर्बाइन, जो कि 212 मेगावाट की थी, उसे यूके की एक कंपनी ईडीएफ एनर्जी के साथ मिलकर बनाया, जो कि उस टाइम पर सबसे बड़ी गैस टर्बाइन थी। फिर साल 1988 से 89 में एलस्टॉम ने एसीईसी एनर्जी के साथ मिलकर परमाणु उद्योगों के लिए हाइड्रो टर्बाइन और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाई। एलस्टॉम ने एसीईसी ट्रांसपोर्ट विभाग को 100% एक्वायर कर लिया। अब बात की जाए इसके प्रेजेंट की, तो यह कंपनी एनर्जी सोर्स जैसे इंक्लूडिंग गैस, कोल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी एंड विंड एनर्जी का उत्पादन करती है, और पावर जनरेशन प्लांट और बॉयलर्स, स्टीम टरबाइन, विंड टरबाइन, एयर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम और इनसे रिलेटेड चीज़ों का उत्पादन करती है। फिर साल 2015 में इसने अपना पावर सेक्टर जनरल इलेक्ट्रिक से टेक ओवर कर लिया, यानी कि उससे छीन लिया। अब बात की जाए इसकी खूबी की, तो इस कंपनी ने एजीवी ट्रेन, एलस्टॉम कॉर्डिया, एलस्टॉम मेट्रोपोलिस, यूरो डुप्लेक्स, एसएनसीएफ टीजीपी ड्यूप्लेक्स, न्यू पेंडोलिनो ट्रेन्स जैसी शानदार ट्रेनों का निर्माण किया है। 26 सितंबर 2017 को इसने साइमन एजी कंपनी के साथ यूरोपियन रेल इंडस्ट्री का चैंपियन बनने के लिए टाइप किया, और यह साइमन एलस्टॉम बन गई, और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इस कंपनी के 60 कंट्री में तकरीबन 90,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। इस कंपनी का इंडिया में पावर के क्षेत्र में 49% शेयर है, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में 4% और टेलीकॉम के क्षेत्र में 47% शेयर है। यह 15,000 मेगावाट पावर जनरेट करती है इंडिया में। अगर एलस्टॉम के उठने का मेजर फैक्टर अगर इंडिया में बताया जाए तो रोड और रेलवे नेटवर्क ने एलस्टॉम को उठाया, और दूसरा फैक्टर पावर जनरेशन। दोस्तों, एलस्टॉम ने दिल्ली की मेट्रो रेल बनाने का भी काम किया है। यह कंपनी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, टेलीकॉम इंजीनियर के क्षेत्र में काम करती है। यह सुनकर शायद आप चौंक जाएं कि इसने दिल्ली, कोची, बेंगलोर, चेन्नई, लखनऊ और जयपुर मेट्रो में लीडिंग वर्क एलस्टॉम का है, और इसने फर्स्ट प्राइमर T8 वैग 12 ई लोको इंजन का निर्माण किया है। यह इंजन भारत में बाकी इंजनों से बहुत अलग है। आप इसका स्पेसिफिकेशन जाके देख सकते हैं, इस वीडियो में मैं नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो फिर बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये इंजन वाकई बहुत शानदार है। तो दोस्तों, ये थी एलस्टॉम कंपनी के उठने की एक सक्सेसफुल जर्नी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ लाइक मारो और शेयर जरूर करो इस वीडियो को, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करो। थैंक यू वेरी मच एंड कीप शेयरिंग, कीप लविंग। तब तक के लिए सायनारा एंड बाय।